इन दिनों बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं, जिसके पीछे की वजह उन्हें मिली चुनौती है। वहीं बागेश्वर धाम सरकार ने नागपुर की समिति से मिली चुनौती को स्वीकार भी कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने चुनौती देने वालों को आने जाने का खर्च और सुरक्षा देने का वादा भी किया। उधर बागेश्वर धाम सरकार ने खुद को पक्का हिंदू शेर बताते हुए एक एक हिंदू को जगाने की बात कही। साथ ही उन्होंने चुनौती देने वालों के लिए भी एक बेहद ही खास संदेश दिया है। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। हिंदुओं को, गरीबों को, बेचारे भोले भाले लोगों को धर्मांतरण करवाते हैं, करोड़ों खर्च करते हैं। क्या वो हमको बदनाम करने के लिए 2 करोड़ खर्च नहीं कर सकते? अभी तो आरोप और लगेंगे हमारे ऊपर, अभी तो रुपया भेजे जाएंगे, लुगाइयां भेजी जाएंगी। लेकिन हम भी भैया सनातनी हनुमान जी के चेला हैं, हम सबको पार करके सनातन का झंडा गाड़ेंगे। और भारत के सब संत हमारे साथ हैं और एक एक सनातनी हिंदू हमारे साथ है। हाल ही में बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नागपुर की एक समिति की ओर से चुनौती मिली थी, जिसके बाद बागेश्वर धाम सरकार ने उस चुनौती को स्वीकार किया था। इसके साथ ही उन्होंने चुनौती देने वालों को आने और जाने का खर्च और सुरक्षा देने का भी वादा किया। उधर बागेश्वर धाम सरकार ने खुद को पक्का हिंदू शेर बताते हुए एक एक हिंदू को जगाने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने चुनौती देने वालों के लिए भी एक बेहद ही खास संदेश दिया। एक बहुत अच्छे पत्रकार ने डिबेट में उनके बारे में पोल खोली है, हबलेली खोली है। हम तो जब खोलेंगे तब तो आप समझ जाइएगा क्यों पीछे लगे। क्योंकि जो आदमी हिंदुओं को, गरीबों को, बेचारे भोले भाले लोगों को धर्मांतरण करवाते हैं, करोड़ों खर्च करते हैं, क्या वो हमको बदनाम करने के लिए 2 करोड़ खर्च नहीं कर सकते? सोचो, सोचो, क्या वो सब सिस्टम नहीं जमा सकते हैं? ये तथाकथित लोग हैं। अभी तो ये आया, अब पता नहीं कौन सा षड्यंत्र आएगा। अभी तो आरोप और लगेंगे हमारे ऊपर, अभी तो रुपया भेजे जाएंगे, लुगाइयां भेजी जाएंगी, डौकी। हाँ, लेकिन हम भी भैया सनातनी हनुमान जी के चेला हैं, हम सबको पार करके सनातन का झंडा गाड़ेंगे। और भारत के सब संत हमारे साथ हैं और एक एक सनातनी हिंदू हमारे साथ है, ये हमें गर्व है। और महाराष्ट्र के हिंदू भी हमारे साथ हैं। एक बात और, अगर वो कल चुनौती के लिए आते हैं, आज अगर आ गए होंगे तो अभी स्वीकार हमने कर ली है, और चुनौती के लिए आते हैं तो हम उनको कहेंगे कि अगर हमने बता दिया तो उनको जीवन भर हमारा गुलाम होना पड़ेगा, अगर हमने नहीं बताया तो हम अंधविश्वासी बाबा हो गए, और अगर हमने बता दिया माननीय महोदय तो तुम्हें जिंदगी भर पानी भरना पड़ेगा बागेश्वर धाम पर पानी, और हम भरवा ले भी तुमसे। आ जाओ कल दरबार में, पानी भरवा लेंगे हम, आ जाओ दरबार में, हमें दम है, क्योंकि बालाजी हमारे हैं, एक एक हिंदू के बालाजी हैं। और कोई इतना ललकार के कैसे बोल सकता, कुछ ना कुछ तो होगा, हमारे बालाजी हैं, अपने इष्ट पे भरोसा। अब बातें ज्यादा ना करो, बातें तो फेंकने वाले करते, दरबार शुरू करते। सीताराम, देखो हम जो भी बताएं गंभीरता से सुनना, कृपा होना ना होना तुम्हारे नियम के ऊपर है। हम तुम्हें बता दें 2024 में तुम्हारी शादी हो जाए, तुम दूल्हे ही ना बनो, 2026 में तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम पढ़ाई ना करो, हम का कर ले भी ना कटा। इसलिए नियम का पालन, धाम की पेशी, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करना है। बहुत गंभीरता से बैठो, आपको पर्चा बने या ना बने, मिलने मिले या ना मिले, आपकी सामूहिक अर्जी लग जाएगी, आपके घर पर बालाजी की सेना अवश्य पहुंच जाएगी, जाओ। कुल मिलाकर देखा जाए तो बागेश्वर धाम सरकार ने खुद को पक्का हिंदू शेर बताते हुए एक एक हिंदू को जगाने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने चुनौती देने वालों के लिए भी एक खास संदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, रायपुर।